सऊदी अरब और खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, हरमैन शरीफैन में नमाज ईद में लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत, रुख परवर मनाजिर, अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी, खुतबा ईद में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, आपसी भाईचारे और अमन का पैगाम दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक, यमन, मिस्र, ओमान और फलस्तीन में भी ईद कुर्बान की खुशियां, नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। बरतानिया, अमरीका और दीगर मगरब ममालिक में मुस्लिम कम्यूनिटीज़ तकसीम, बेशतर इलाकों के रिहायशी आज ईद मना रहे हैं, कुछ कल मनाएंगे। स्पेन में मुख्तलिफ मसाजिद और पब्लिक मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। लंदन में चांद रात की रौनकें अरूज पर रहीं। ईद बाजारों में खवातीन और बच्चों की खूब गहमा गहमी नजर आई। उधर कराची में बोहरी बरदरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। हुज्जाज कराम की जानिब से रमी जमरात का सिलसिला जारी। बड़े शैतान को कंकरियां मारने में मसरूफ। शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी का फरीजा अदा करके सर मुंडवाने का अमल भी जारी। अल्लाह के मेहमान आज अहराम खोल देंगे और खाना काबा जाकर तवाफ जियारत करेंगे। आम लिबास में सफा और मरवा के दरमियान सही करेंगे। हुज्जाज कराम कल वापस मीना जाकर अयाम तशरीक गुजारेंगे। ईद सर पर आ गई, अब बस हर सूरत कुर्बानी का जानवर लेना है। शहरियों के मवेशी मंडियों में डेरे, कहीं झटपट सौदे, कहीं भावताव जारी। लाहौर की कैटल मार्केट्स में शहरी रात भर खरीदारी करते रहे। सुबह सवेरे भी खरीदारों की बड़ी तादाद पहुंच गई। इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत शहर शहर मवेशी मंडियों में रौनक मेला। बकरे, गाय, बैल के लिए मंडियों में खरीदारों का रश। शहरियों को अब दाम गिरने की तवक्को, व्यापारियों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद। बच्चा पार्टी भी बड़ों के साथ मवेशी मंडियों में मौजूद। कोटली सतिया की मवेशी मंडी में राजू बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। मालिक का नाजो नखरे से पालने का दावा, दाम भी खूब मांग लिए। उधर गली गली मोहल्ले मोहल्ले आए जानवरों की खूब खातिर मदारत। बच्चे, मेहमान जानवरों को सजाने, संवारने और घुमाने में मसरूफ। दूसरी जानब शहरियों ने छुरियाँ, टोके खरीदने और तेज करवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। सरकारी छुट्टियों का आगाज, बड़े शहरों में रह जाने वाले परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के टिकट काउंटर्स पर गहमा गहमी। मुसाफिरों का किराए ज्यादा होने का शिकवा, घंटों इंतजार के बाद भी गाड़ी ना मिलने की शिकायत। ट्रांसपोर्टर्स गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों को गाड़ी में बिठाने लगे। उधर वजीर आला सिंध की कैदियों को बड़ी ईदी, कैदियों की सजा में 120 दिन तक मुआफी का ऐलान कर दिया। मालाकंड में रात गए घर में घुसकर फायरिंग, 9 अफराद कत्ल। जांबहक अफराद में 5 खवातीन और 3 मर्द शामिल। पुलिस के मुताबिक वाकया तहसील बटखिला में पेश आया। कत्ल की वजह रिश्ते का तनाज़े है। फौरी कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर मच्छ में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जांबहक, 1 जख्मी हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीली, ग्लेशियर्स तेजी से फैलने लगे। जिला स्तोर में नदी नालों और दरियाओं में तुगयाने। दरियाए स्तोर में पानी की सतह बुलंद, जमीनी कटाव में गैर मामूली इजाफा। बलाई इलाकों से मुंसलिक वाहिद राबता सड़क को खतरा। मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत बंद मानने लगे। मौसम का हाल बताने वालों ने आज इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। IMF ने पाकिस्तान के साथ जल्द स्टाफ लेवल माहदे की नवीद सुना दी। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर कहते हैं, पाकिस्तान के साथ जारी बातचीत का मकसद माहदे को हतमी शक्ल देना और पाकिस्तान की माली मदद करना है। पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात IMF की गाइडलाइन के मुताबिक की हैं। मॉनिटरी पॉलिसी को मजीद सख्त किया गया। बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी और मजीद टैक्स का नफाज रिफॉर्म्स का हिस्सा है। दुबई में मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी क़यादत में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की फिर मुलाकात। नवाज़ शरीफ की तरफ से आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में अशाइये का अहतमाम किया गया। अशाइये में इंतखाबी मामलात पर हतमी मुशावरत। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बरवक्त इंतखाबात करवाने पर गौर।
IMF पैकेज के बाद इंतखाबात में जाने के अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान पहली मुलाकात में निगरान सेटअप और सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू की गई। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने बेंच पर एतराजात के हवाले से अपना नोट जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा, अदालती निज़ाम अवामी एतमाद पर मुनहसर होता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने बेंच पर एतराजात आयद किए। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बेंच बनाएं, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मुकदमात फुल कोर्ट को भिजवाए जाएँ। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, एतजाज एहसन ने भी फुल कोर्ट बनाने की हिमायत कर दी। सीनियर वकील एतजाज एहसन की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में बातचीत, बोले उनकी भी इस्तदा है सुप्रीम कोर्ट मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाए। फौजी अदालतों में फैसले करने हैं तो आइन में तरमीम करें, खर्चा है हुकूमत फैसले नहीं मानेगी, ये आइन में तरमीम कर लें मगर उनके पास नंबर्स नहीं। ईद कुर्बा में एक रोज बाकी है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए। जानवरों की खरीदारी आखिरी मराहल में है मगर बढ़ती हुई महंगाई के बायस जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद जानते हैं जंग से अपने नुमाइंदे इमरान खान से। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों को खरीदने का आज आखिरी मार्का है। आज हर एक की यही ख्वाहिश होगी कि वो अपना मनपसंद और सस्ता जो जानवर है वो खरीद कर ले जा सके, मगर हालिया महंगाई की लहर की बहस जो है वो जानवरों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा है। और यही वजह है कि जो ख़रीदार आता है, जो उसे जानवर पसंद आता है, जब उसके दाम पूछता है तो वो उसके बाद जो है वो खासा परेशान दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब व्यापारी हजरात भी परेशान है कि वो आज आखिरी दिन है और सुबह जो है ईद उल अज़हा है, अब मगर जानवर जिस तरह गुज़श्ता कई सालों से जो है उनके जानवर बिक रहे थे, इस साल जो है वो उनके जो जानवर हैं उनकी फ़रोख्त की तादाद जो है वो कम है। दूसरी जानब जो है वो बच्चों की तादाद भी यहाँ पर बड़ी देखी जा रही है, जो अपने वालदैन के साथ यहाँ पर आई हुई है, और बच्चों की यही ख्वाहिश है कि आज छुट्टी भी है और ईद कल ईद है और आज जो है अपने जो है बकरा दुम्बा जो दिगर जानवर हैं उनके साथ वो खूब अलग उल्ला करें, सेल्फियाँ बनाएँ और उसके बाद जो है उस सुबह उसके जो है वो ज़िबा किया जाए। जी नाज़रीन, फैसलाबाद की नया मवाना मंडी में ऊँटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला उरूज पर है। ऊँटों के लिए अलहदा से मंडी लगाई गई है जहां पंजाब भर से ऊँट लाए गए हैं। ऊँटों की कीमत 3.5 लाख से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल सिकंदर से। बिलाल, क्या रेट्स हैं बताइए। जी बिल्कुल, देखें ईद कुर्बान के लिए ऊँटों की जो कुर्बानी है उसकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो फैसलाबाद की नियामोवाना मंडी में जारी है। यहाँ पर एक बाकायदा तौर पे एक अलग से मंडी जो है वो ऊँटों के लिए बनाई गई, जहाँ पर सिर्फ ऊँट हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ऊँट मौजूद हैं। और ऊँटों की ख़रीदारी के लिए भी एक जो तबका है वो मखसूस है जो ऊँट की कुर्बानी करते हैं, तो ख़रीदारों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो ऊँटों का भाव उताव कर रहे हैं। व्यापारी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो खरीदार हैं उनका कहना है कि ऊंट की कीमतें उनकी पहुंच से जो हैं वो बाहर हैं, क्योंकि ऊंट की कीमत तकरीबन 3.5-4 लाख से स्टार्ट होकर 10 से 12 लाख में है, तो ऊंट की खरीदारी के लिए अच्छी खासी तादाद जो है वो खरीदारों की इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और ऊंट ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पंजाब भर से जो ऊंट हैं वो यहाँ पर फरोख्त होने के लिए आए हैं और उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है।